यीशु मसीह के जन्मदिन पर सोना लबान भेंट चढ़ाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कहां लिखा हुआ है क्रिसमस? बेवकूफ है वो लोग, उनको नहीं पता क्रिसमस और कैसे मनाएंगे। यीशु मसीह मुंह से थोड़ी बोलता, बच्चा था उस समय में, जब वो पैदा हुआ सबने उसका जन्मदिन मनाया। हालेलुया। सोना लबान भेंट चढ़ाया, जो आज उसकी खुशी में शामिल हुए हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन की खुशी में शामिल होगा, तुम्हारी शादियों में शामिल होगा, तुम्हारी जॉब में शामिल होगा, परिवार में शामिल होगा, हर प्रॉब्लम में। हरी वेले मैं रोग में था, हरी वेले मैं सोग में था, हरी वेले मैं रोग में था, हरी वेले मैं सोग में था, हरी वेले मैं रोग में था, हरी वेले मैं सोग में था, यरियो की दीवार गिरेगी 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 गिरेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों में क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को जीसस वॉइस की तरफ से हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। तो इंडिया में अलग अलग जगहों में क्रिसमस मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। यात्राएं निकाली जा रही है और रैलियां निकाली जा रही है, कई ड्रामे किए जा रहे हैं ताकि यीशु मसीह के जो जन्म हुआ था वो लोगों को ड्रामे के द्वारा समझा सके। कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में जान सके। प्रभु मसीह का जो जन्म था वो इस संसार के लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, सारी मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बीच कई मीडिया ने भी प्रचार किया है क्रिसमस के बारे में, हालांकि मीडिया ने प्रचार नहीं किया है, प्रभु के लोगों ने वो काम किया है और मीडिया ने वो दिखाया है। वही हरियाणा के राज्यपाल ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रोफेट बजेंद्र सिंह का भी एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, वो मीडिया ने कवरेज किया है। सचिन तेंदुलकर ने भी एनजीओ में जाकर क्रिसमस मनाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने वीडियोस में देखा होगा कि किस प्रकार से सचिन तेंदुलकर हैं वो एनजीओ में जाकर क्रिसमस मना रहे हैं। क्या में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकाली। चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम ऑफ प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ओर से बुथगढ़ मोहाली और रोड से छत्तीसगढ़ तक एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से आए लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस मनाया। इस इवेंट में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे थे। जी हां, हरियाणा के राज्यपाल ने भी क्रिसमस में भाग लिया था। उन्होंने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मानवता का प्रेम, प्यार, करुणा और दया और विश्वास का संदेश दिया। ये हरियाणा के राज्यपाल का कहना है। कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है पूरी मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और वो इस पृथ्वी पर जिया, रहा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो गया और आज भी वो जीवित है और वो फिर से आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन तैयार रहें क्योंकि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।